हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छा होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के साथ मैं आलू दम की रेसिपी शेयर करती हूँ। मैं आलू को बॉयल कर ली हूँ और ये थोड़ा सा प्याज कट कर ली हूँ, दो मीडियम साइज में, दो टमाटो ली हूँ, थोड़ा सा हरे मटर ली हूँ और ये लहसुन अदरक मिर्च को ग्राइंड करेंगे, पेस्ट बनाएंगे जार के हेल्प से। और इधर मैं ऑयल गर्म हो गया है और मैं फॉग से इसको आपको करके दिखाते हैं आलू को। फ्रेंड, ये मैं फॉग ली हूँ और आलू को ऐसे 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 करके इसमें, मतलब चारों पट्टी ये इसमें फॉग के हेल्प से छेद कर, मैं पहले से कर ली हूँ गाई, लेकिन आप लोग को बता दे रही हूँ। इसी तरह से आप एक तिनका लेके भी कर सकते हैं या फॉग के भी हेल्प से कर सकते हैं गाइज। और देखिए, मैं ये ऑयल गर्म कर रही हूँ, कढ़ाई में तेल डाली हूँ। ये ऑयल गर्म होने के बाद मैं इसमें फ्राई करूंगी आलू अच्छे से। मेरा ऑयल गर्म, देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा ऑयल गर्म हो गया। मैं आलू को डाल रही हूँ। आप पूरे आलू को डालकर एक साथ फ्राई कर सकते हैं या अलग अलग भी आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे, अच्छा कलर आ जाएगा रेड हो तक। फ्रेंड, मेरा ऑयल गर्म हुआ था अच्छे से, तो मेरा ये आलू भी अच्छे से फ्राई हो रहा है। आप लोग भी कढ़ाई में ऑयल दे तो ध्यान में रखें, पूरा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए उसके बाद ही आप आलू डालने, तो आलू चिपकने लगेगा कढ़ाई में। गाइस, देख सकते हैं ब्राउन हो रहा है धीरे धीरे। तब तक मैं मसाला ग्राइंड कर लेती हूँ। ये अदरक लहसुन जो भी हम लिए थे, अब इसको मिक्सी में डाल, थोड़ा सा प्याज भी डाल दिए। मैं जार में सबसे डाल दें, थोड़ा सा पानी दे के ग्राइंड कर सकते। फ्रेंड, मैं मिक्सर की हेल्प से ग्राइंड कर रही हूँ। सकते फ्रेंड, मेरा ये ग्राइंड हो गया है मसाला, अब इसमें मैं रख दी। और मेरा देखो, देख सकते हैं आलू भी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब मैं इसको 2 मिनट के अंदर निकाल लूंगी। फ्रेंड फ्रेंड, मेरा आलू का कलर कितना अच्छा आया है फ्राई होने पर। आप लोग भी इतने अच्छे से फ्राई करें रेड होने तक। मैं आलू को निकाल ली हूँ गाइस। देख सकते हैं फ्रेंड, जो भी मेरा ये आलू बॉईल करने के, मतलब फ्राई करने के बाद ये तेल बचा है, उसी में मैं ये तेज पत्ता और कुछ जीरा थोड़ा सा और मिर्च लिए हैं 200, ये भी इसी में डाल देते हैं। फ्रेंड, इसको भी ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर रहे हैं। उसके बाद ये ऑनियन में डालूंगी। देख सकते फ्रेंड, मेरा जीरा पत्रज और मिर्च अच्छे से ब्राउन हो गया। ये ऑनियन डाल देती हूँ। ओनियन को भी ब्राउन होने तक पकाएंगे गाइस। देखिए, मेरा ओनियन फ्राई हो रहा है। देख सकते फ्रेंड, मेरा ये प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। और जो मैं ग्राइंड की थी अदरक लहसुन मिर्च, ये हम इसको पेस्ट डाल दी है। अदरक लहसुन पेस्ट डालकर इसको भी अच्छे से फ्राई करना है। अब टेस्ट अनुसार इसमें नमक डालें, स्वाद अनुसार हम भी नमक डाल देंगे, इसमें 1.5 चम्मच। देख सकते हैं, ये मेरा गोलकी जीरा का पाउडर है, ये मेरा लाल मिर्च है, ये हल्दी डाल रहे हैं फ्रेंड, आप भी अपने कलर अनुसार डालें। और ये धनिया पाउडर है, ये भी डाल दिए, आप 1.5 चम्मच डाल रहे हैं हम। आप अपने सब्जी के अनुसार डालें, कितना सब्जी आप बनाएंगे, हम थोड़ा सा ही बना रहे हैं। ये और जो टमाटर था उसको भी चॉप करके मैं डाल दूँ। देख सकते हैं अच्छे से मैं इसको कट कर ली हूँ। अब इसको डाल दूँ, अच्छे से फ्राई करेंगे 5 मिनट तक, जब तक इसमें तेल ना छूट जाए। तो फ्रेंड, कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है मेरा कढ़ाई, जब तक तेल नहीं छोड़ देता है मसाला से, तब तक इसको फ्राई करेंगे अच्छे से। आप भी इस तरह से इसको फ्राई करें मसाले को, और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। फ्रेंड, मेरी वीडियो पसंद आए आप लोग लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रेंड एंड माय यूट्यूब फैमिली। देख सकते फ्रेंड, मेरा साइड साइड से तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया है। आप भी इसमें अच्छे से फ्राई करें, और जो मेरे हरे मटर थे वो भी डालकर फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट। देख सकते फ्रेंड, कितने अच्छे से फ्राई हो गए, मटर भी मेरा फ्राई हुआ, मसाला भी अच्छे से फ्राई हो गया। और जो मैं फ्राई की थी ऑयल, इसमें भी डाल फ्राई थोड़ा सा कर लेती हूँ, ताकि इसके अंदर मसाला जा सके अच्छे से। आप भी मेरी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, आप लोग सपोर्ट करें। फ्रेंड, आप लोग के लिए हर तरह का मैं रेसिपी लाएंगे। फ्रेंड, देख सकते फ्रेंड, अच्छे से फ्राई हो गया। थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको और फ्राई कर लेते हैं, इसको मैं पानी डाल दूँगी। देख सकते फ्रेंड,
कितना साइड साइड में ऑयल छोड़ा है, एकदम अच्छे से फ्राई हो गया है। और कस्तूरी मिर्च का पाउडर देना एकदम अवेलेबल है, और धनिया पाउडर, मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, धनिया पाउडर मैं डाली हूँ, और धनिया पत्ता अवेलेबल नहीं है आई, लेकिन आप लोग डालें। ये मैं कस्तूरी मेथी का पाउडर है, मैं वो डाल रही हूँ। इस तरह से मैश करके दे, देखिए मैं कस्तूरी मिर्च डाल पाउडर डाल दी हूँ कस्तूरी मेथी का, और मैं पानी डाल रही हूँ फ्रेंड, देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स गरम मसाला है, हाफ स्पून मैं डाली हूँ, आप लोग भी अपने सब्जी के अनुसार डालें। अब मैं इसको ढक देती हूँ फ्रेंड, एक उबाल आने तक मैं इसको पकाएंगे फ्रेंड, उसके बाद मेरा आलू दम रेडी हो जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड, मैं इसमें ढक दी हूँ, उबाल आने तक पकाएंगे, उसके बाद मेरा सब्जी। देख सकते फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ गया, मेरा सब्जी भी रेडी हो गया फ्रेंड। आप लोग के साथ मैं इसको पूरी के साथ सर्व करेंगे, आप इसको चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मेरा सब्जी रेडी हो गया, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, देख सकते।